नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ साक्षी शिवरे। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर रविवार को किए जाने वाला लॉकडाउन 2 अगस्त को भी रहेगा, लेकिन रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए प्रशासन ने बहनों को उपहार दिया है। लॉकडाउन के बीच भी प्रशासन ने राखी, पूजा सामग्री और मिठाई, नमकीन की दुकानें खुली रखने का फैसला लिया है। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि रक्षाबंधन पर माता बहनों की जरूरतों को देखते हुए राखी, पूजा सामग्री और मिठाई, नमकीन की दुकानें खोलने का निर्णय लेना पड़ा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक बार फिर शराब ठेकेदार की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां राजीव गांधी चौराहे स्थित आते पर ठेकेदार के गुर्गों ने एक युवक द्वारा अवैध शराब बेचने की आशंका के चलते जमकर मारपीट की। इस दौरान युवक पर डंडे और लात घूसों की बरसात हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खरगोन जिले के सेगांव विकासखंड में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। इसी के चलते विकासखंड के ग्राम श्रीखंडी, ग्यारसपुरा और गाठला खेड़ी में एक एक महिला कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम ने कोरोना संक्रमित मरीजों को खरगोन रेफर कर दिया है, साथ ही प्रभावित क्षेत्रों को कंटेनमेंट घोषित कर दिया है। कोरोना काल में भाई बहन के पवित्र त्यौहार को लेकर शाजापुर जिले के बाजारों में एक बार फिर रौनक लौट आई है, जहां सुंदर सुंदर राखियों से गुलजार बाजार में ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई। वहीं बहन अपने भाई के लिए राखी और कपड़ों की खरीदारी करती नजर आई। हालांकि दुकानदारों के साथ साथ खरीदार भी कोरोना महामारी को लेकर सतर्क नजर आए। एक तरफ शिवराज सरकार ने प्रदेश में आने जाने के लिए हर नागरिक को रियायत दी है, तो वहीं पुलिस मुख्यालय ने अपने महकमे पर शिकंजा कसा हुआ है। मुख्यालय ने एक फरमान जारी किया है, जिसके तहत कोई भी पुलिसकर्मी छुट्टी के दौरान अपने घर नहीं जा सकेगा, यानी जिस जिले में वे नौकरी कर रहा है उसे जिले को छोड़ नहीं सकेगा। पुलिस मुख्यालय ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि यदि कोई इमरजेंसी है तो इसके लिए आईजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोरोना संकट के दौरे में प्रदेश के अर्थव्यवस्था को सुधारने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर अमल के लिए प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश में आत्मनिर्भर योजना का खाका तैयार करने के लिए सरकार ने 4 सीनियर आईएएस अफसर को जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को 15 अगस्त तक रोड मैप तैयार करने को कहा है, जिसमें सुशासन, अर्थव्यवस्था, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इसके लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने शनिवार को एक विमान के अंदर की लग्जरी तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया है कि यह प्रधानमंत्री के विमान के अंदर की तस्वीर है। कुछ ही घंटों में 4800 लोगों ने उनके ट्वीट को लाइक किया है और वहीं 1100 लोगों ने इसे रीट्वीट भी किया है। लेकिन अब PIB फैक्ट चेक की ओर से की गई जांच में जीतू पटवारी के इस दावे को गलत पाया गया है। गौरतलब है कि विधानसभा उपचुनाव के पहले जीतू पटवारी कई बार अपने गलत ट्वीट के कारण सुर्खियों में आ चुके हैं। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के बाद लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए तत्पर है। कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ोतरी के बाद बीमा नियामक IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनी को शॉर्ट टर्म कोविड स्पेसिफिक हेल्थ प्लान पेश करने के लिए मजबूर किया, तो COVID-19 के उपचार से संबंधित अस्पताल में भर्ती खर्चों को कवर करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है। यह बीमा पॉलिसी COVID-19 से जुड़े स्वास्थ्य खर्चों पर बीमा सुरक्षित देती है। इस पॉलिसी में 300 रुपए में 5 लाख तक का कवर मिलेगा। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन ही नहीं होगा बल्कि सौहार्द मंच भी सजेगा। राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी, अयोध्या के समाज सेवी पद्मश्री मोहम्मद शरीफ, बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी आमंत्रित लोगों की सूची में शामिल है। बता दें कि इकबाल अंसारी के पिता हातिम अंसारी न सिर्फ बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार थे बल्कि राम मंदिर आंदोलन के अगुआ रहे रामचंद्र परमहंस के करीबी दोस्त भी थे और दोनों के बीच दोस्ती भी ऐसी कि मुकदमा लड़ने भी साथ जाया करते थे। भारत में जानलेवा कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 17 लाख के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में 54,735 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 853 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17,50,723 हो गई है। इसमें से 5,66,730 मरीजों का इलाज चल रहा है, वहीं 37,364 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं इस बीच राहत की बात यह है कि संक्रमित मरीजों की ठीक होने की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 51,255 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 11,45,629 हो गई है।